उसके जो सर्वोत्तम मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है वो बीमारियों को नियंत्रित करने में काम आ सके। तो देखिए, इन सब बातों को समझने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि हल्दी में कौन कौन से केमिकल पाए जाते हैं। तो देखिए, टर्मरिक पाउडर इज अप्रॉक्सीमेटली 60 से 70% कार्बोहाइड्रेट, 60 से 70% कार्बोहाइड्रेट होता है, 6 से 13% वाटर होता है, और 6 से 8% प्रोटीन, और 5 से 10% फैट, 3 से 7% डायट्री मिनरल्स, और 3 to 7% इसेंशियल ऑयल, एंड 2 to 7 डायट्री फाइबर्स, एंड 1 to 6% करक्यूमिनोइड्स। इतने केमिकल हैं हल्दी में। और देखिए, जो करक्यूमिन है वो दो फार्म में पाया जाता है, कीटो फार्म, दूसरा इनोल फार्म। तो ये तो केमिस्ट्री की बात है, लेकिन सबसे काम का केमिकल करक्यूमिन है हल्दी में, जो कि हल्दी को हेल्दी बनाता है ना। अब देखिए, हल्दी के केमिकल कौन कौन से हैं। तो देखिए, विटामिन ए 0%, यानी विटामिन ए नहीं पाया जाता। कैल्शियम 183 मिलीग्राम, विटामिन डी 0, विटामिन बी 12 0, और विटामिन सी 25.9 मिलीग्राम, आयरन 41.5 मिलीग्राम, और विटामिन बी 6 1.6 मिलीग्राम, और मैग्नीशियम 193 मिलीग्राम। तो देखिए, जो हल्दी है उसमें आयरन, कैल्शियम ना, विटामिन सी और मैग्नीशियम अत्यधिक मात्रा में पाए जा रहे हैं। तो और देखिए, हल्दी के हेल्दी केमिकल्स में वसा कितना है, 10 ग्राम, यानी 100 ग्राम अगर आप हल्दी पाउडर लेंगे तो उसमें 10 ग्राम क्या होगा, फैट होगा। उसमें से सैचुरेटेड फैट कितना है, संतृप्त वसा जिसको बोलते हैं, 3.1 ग्राम है, और असंतृप्त फैट 2.2 ग्राम है, और मोनो असंतृप्त फैट 1.7 ग्राम है। और देखिए, हल्दी के केमिकल में कोलेस्ट्रॉल नहीं है ना। तो देखिए, कोलेस्ट्रॉल का न होना इस प्रूफ करता है कि हल्दी जहाँ पे जाएगा वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल नहीं रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हल्दी कोलेस्ट्रॉल जो धमनियों में जमा है उसको घोल के बाहर निकालता है। और देखिए, सोडियम कितना है, 38 मिलीग्राम है ना, और पोटेशियम कितना है, 2525 मिलीग्राम है। तो नहीं, देखिए सोडियम कितना कम, उससे कितना ज़्यादा गुना पोटेशियम ज़्यादा। तो अगर आप इस हल्दी का सेवन करते हैं तो यूरिक एसिड की जो प्रॉब्लम है, यूरिक एसिड में वो सभी फूड सप्लीमेंट ठीक से काम करते हैं जिनमें पोटेशियम ज़्यादा हो और सोडियम कम हो। तो हल्दी भी एक ऐसा केमिकल है, एक ऐसा ड्रग्स है, या ऐसा एक मटेरियल है जिसमें पोटेशियम ढेर सारा है और सोडियम कम है। तो आप हल्दी का सेवन करके यूरिक एसिड जैसी समस्या से निजात पा सकते हैं। और क्या है, कार्बोहाइड्रेट 65 ग्राम है, उसमें से जो फाइबरस हैं वो 21 ग्राम है, और जो शर्करा है 3.2 ग्राम है। इस तरह से हल्दी के केमिकल्स कितने काम के हैं। तो देखिए, हल्दी का सर्वोत्तम यूज, हल्दी में कितने काम के केमिकल पाए जा रहे हैं जो स्वास्थ्य को पूरा व्यवस्थित रखेंगे। और अब आगे हम लोग ये देख लेते हैं कि जो हल्दी के जो काम के केमिकल पाए जा रहे हैं उनका किस किस बीमारियों में उपयोग किया जा सकता है ना। तो देखिए, पहली जो सबसे बड़ी बीमारी है वो क्या है, कोलेस्ट्रॉल। तो आपने ऊपर देखा होगा कि हल्दी में कोलेस्ट्रॉल 0 होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोलेस्ट्रॉल को अभी तक आपने ये देखा कि टर्मरिक जो है हल्दी है उसमें कितने काम के केमिकल पाए जा रहे हैं। अब आगे वीडियो में हम लोग ये देख लेते हैं कि जो हल्दी में जो काम के केमिकल पाए जा रहे हैं उनका अधिकतम या सर्वश्रेष्ठ उपयोग किस बीमारी को रोकने के लिए किया जा सकता है। तो इसमें से पहली बीमारी है देखिए, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल देखा है आपने ऊपर कि कोलेस्ट्रॉल 0 है हल्दी में, तो यानी हल्दी जहां पे पाया जाएगा वहां पे कोलेस्ट्रॉल नहीं रहेगा। तो जिनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो, उनको हल्दी जरूर सेवन करना चाहिए। तो हल्दी में पाया जाने वाला करक्यूमिन नामक पदार्थ कोलेस्ट्रॉल जो भी धमनियों में जमा रहता है उसे घोलकर बाहर निकाल देता है। तो जो हल्दी का करक्यूमिन है आपने ऊपर देखा ना, वो कोलेस्ट्रॉल को धमनियों से घोलकर बाहर निकाल देता है और बड़ी समस्या को रिजॉल्व कर देता है, सॉल्व कर देता है। दूसरा क्या है, इम्यूनिटी। तो देखिए, इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए हल्दी में बहुत काम के केमिकल थे ऊपर, अब उनका उपयोग कैसे करें। देखिए, हल्दी पाउडर 1 चम्मच
एक गिलास गुनगुने पानी में पीते रहने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है तथा शरीर के दर्द, चोट व पीड़ा में आराम मिलता है। तो अगर इम्यूनिटी आप अनवरत बनाए रखना चाहते हैं तो हल्दी का सेवन करें। तीसरा, ब्लड प्यूरिफायर के रूप में, तो देखिए हल्दी के अंदर बहुत काम के केमिकल हैं जो कि ब्लड को प्यूरिफाई करते रहते हैं, तो आप हल्दी का नियमित सेवन करें। तो देखिए, हाफ चम्मच हल्दी प्लस 1 चम्मच पिसा आंवला लेने से खून साफ रहता है, जिसके कारण त्वचा पर फोड़े, फुंसियां इत्यादि नहीं होती हैं और त्वचा दमकती रहती है, खूबसूरत बनी रहती है। और चौथी है प्रॉब्लम, टीथ प्रॉब्लम ना, जिनका दांत हिलता रहता है या दांत में दर्द होता है, तो उनके लिए भी हल्दी रामबाण है। तो देखिए, टूथ प्रॉब्लम में कैसे की यूज करें, हल्दी की गांठ को जला लें, गैस पर रख दें, हल्दी जल जाए, उसके बाद पीस लें, पीसकर समान मात्रा में पीसी हुई अजवाइन मिला लें ना, हल्दी को पीस लें जलाने के बाद, उसके बाद उतनी ही मात्रा में पिसी हुई अजवाइन मिला लें रोजाना। इससे मंजन करें, दांत मजबूत होंगे, स्वस्थ होंगे और जो भी उस पर टाटर जमा हो रहा है, जो पीलापन आ रहा है, वो भी खत्म होगा। यूरिक एसिड आज की डेट की सबसे बड़ी समस्या है, पाँव में जलन और जोड़ों में दर्द, यूरिक एसिड। तो देखिए, यूरिक एसिड को भी बहुत अच्छे से कंट्रोल करेगा हल्दी पाउडर, क्योंकि देखिए आपने ऊपर देखा हुआ ना कि सोडियम कितना कम है, 32 मिलीग्राम है, जबकि उसी के एवज में पोटेशियम कितना है, 2525 मिलीग्राम है, यानी लगभग 2000 मिलीग्राम है। सोचिए, सोडियम 30 मिलीग्राम के आसपास और पोटेशियम 2000 मिलीग्राम के आसपास, तो अगर आप इस हल्दी पाउडर का यूज करेंगे तो ये शरीर में जाएगा। और जो यूरिया का जो क्रिस्टल जमा है ना, यूरिक एसिड मोनोसोडियम यूरेट के फॉर्म में जमा होता है, तो सोडियम के क्रिस्टल को डिजॉल्व करेगा। हल्दी में सोडियम काफी कम तथा पोटेशियम काफी मात्रा में पाया जाता है। हल्दी का सेवन करने से यूरिक एसिड का जमा क्रिस्टल जोड़ों से बाहर निकलेगा और यूरिक एसिड की समस्या साल हो जाएगी। तो जिनको यूरिक एसिड है वो हल्दी पाउडर का जरूर यूज करें। और फ्रैक्चर, ये तो सदियों से हल्दी का इसमें कोई सानी नहीं है। तो फ्रैक्चर को जोड़ने में हल्दी बहुत काम का है, चोट लगी हो, चोट का जो दर्द है उसको भी हटाने के लिए हल्दी पाउडर सदियों से यूज होता है। तो देखिए, आधा चम्मच हल्दी ले लीजिए और गर्म दूध के साथ नित 2 बार लेते रहें, जब तक कि प्लास्टर चढ़ा रहे या चोट ठीक ना हो जाए। और प्लास्टर अगर चढ़ गया है तो आप हल्दी पाउडर पीते रहेंगे तो हड्डी ठीक से जुड़ जाएगी। और 7वां है जांडिस। जांडिस मतलब पीलिया ना, लोग जब जांडिस हो जाती है तो उसमें हल्दी खाना छोड़ देते हैं, जबकि गलत है। हल्दी आप यूज करें, उनको लगता है कि हल्दी पीली कलर का है और पीलिया भी पीले कलर का हो जाता है तो शरीर को नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। 2 चम्मच हल्दी पाउडर 1/2 किलो दही में मिलाकर नित्य 3 बार सेवन करें, यानी 1/2 किलो दही ले लीजिए और उसमें 2 चम्मच हल्दी पाउडर मिला लीजिए और उस 1/2 किलो दही का 3 बार सेवन करें,